वडोदरा शहर में कोरोना वायरस के बढ़ रहे संक्रमण के बीच आज भी 391 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे। कुल मिलाकर दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 29,932 पर पहुंच चुका है, तो वहीं आज भी एक दर्दी की कोरोना संक्रमण में मृत्यु दर्ज की गई है। वडोदरा शहर में हाहाकार मचाने वाले वैसे कोरोना वायरस के कहर के बीच आज भी 391 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव दर्दियों का आंक वडोदरा शहर के लिए 29,932 पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे के दौरान कॉरपोरेशन की सूची में सिर्फ एक ही दर्दी की मृत्यु दर्ज की गई है। तो वहीं ताज्जुब की बात यह भी है कि वडोदरा शहर के हर एक स्मशान गृह में रोजाना के 20 से 25 लोग कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मृत्यु हो रहे हैं। बावजूद कॉरपोरेशन द्वारा आंकड़ों का मायाजाल खेलते हुए आंक छुपाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कॉरपोरेशन की सूची के मुताबिक 254 जितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। आज 199 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। कुल मिलाकर अभी तक 27,181 जितने लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान कॉरपोरेशन द्वारा विविध विस्तारों से 5,479 जितने लोगों के सैंपल लिए गए थे। तो वही आज नए बने कोरोना पॉजिटिव विस्तारों में से बापोत, पानीगेट, जुबिलीबाग, किशनवाड़ी, रामदेवनगर, हरनी रोड, वारसिया, कारेलीबाग, वीआईपी रोड, नवापुरा, समा, कोठी, सियाबाग, संवाद, एकतानगर, गाजरावाड़ी, कपुराई, यमुना मिल, माणेजा, भागोड़िया रोड, दंतेश्वर, तलसाली, तांदलजा, गोत्री, गोरवा, सुभानपुरा, दिवालीपुरा तथा वडोदरा के ग्रामीय कणजट, कुरण, हंडोड, पादरा, डभोई, सावली, अर्बन, नंदेसरी, इटोला, पदमला, कोयली, पौर आदि विस्तार से कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए थे।